नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि भगवान महाबली हनुमान जी के आशीर्वाद से, बालाजी महाराज के आशीर्वाद से आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपने घर में स्वस्थ होंगे। दोस्तों आप सभी को बता दें कि धरती पर तो कोई पैदा नहीं हुआ जो यह घटना को होने से रोक दे। जी हाँ दोस्तों, इस व्याख्या के पीछे, इन लफ्ज़ों के पीछे आप सभी के झुमकाल के सबसे बड़े राज छिपे हैं। जी हाँ दोस्तों, और जो भी व्यक्ति आज के इस वीडियो में ये सभी बातें जान गए, दोस्तों उन्हें मालामाल होने से दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आप सभी को बता दें कि आपकी कुंडली में कुछ ऐसे ही अदृश्य योग का निर्माण हो चुका है, जो कि दोस्तों आप सभी के जीवन काल में वे सारे दुख के दरवाजे बंद कर देंगे जिनसे आपको परेशानी होती थी, जिनसे आप कष्ट में जा रहे थे और जो लोग आपको परेशान कर रहे थे। दोस्तों यश में उनके भी जो रास्ते हैं वो बंद होने वाले हैं और आप सभी की किस्मत के दरवाजे अब खुलने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रहों की स्थिति है, बहुत ही समय आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों ऐसे समय की आप बिल्कुल ही सदुपयोग कीजिएगा, कि दोस्तों ऐसे समय सभी के नसीब में नहीं आते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो लोगों के अच्छे कर्म, अच्छे पुरुषार्थ और जीवनकाल में ईश्वर के प्रति सद्मार्ग की भावना होती है, दोस्तों उन्हीं के जीवनकाल में ईश्वर ऐसे योग का निर्माण करते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम आप सभी को बस इतना कहना चाहेंगे कि दोस्तों आने वाले 3 दिनों के अंदर आप सभी के जीवनकाल में आपको वो बड़ी घटना देखने को मिलेंगी, जिन्हें दोस्तों देखकर, जिन्हें जानकर आपको यकीन नहीं होगा। लेकिन दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि ग्रहों की स्थिति में जो बदलाव होते हैं, दोस्तों उनका प्रभाव हमारे जीवनकाल में होकर ही रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, वो अलग बात है कि अगर हम संभल कर चलें तो अशुभ परिस्थिति में भी हमें लाभ मिलते हैं, और दोस्तों अगर हम गलतियों को करते रहें, सावधानियों को ना रखें, तो दोस्तों कितने भी अच्छे ग्रह हो, दोस्तों उनका हमें अशुभ फल ही मिल जाता है। जी हाँ दोस्तों, और यश में मंगल ग्रह आप सभी की कुंडली के लिए बहुत ही लाभ के मौके दिलाने वाले हैं, आप सभी की सोचने की क्षमता बढ़ाने वाले हैं, आप सभी के मन मस्तिष्क में कुछ ऐसे चमत्कार होने वाले हैं जिनसे दोस्तों आप सभी के कार्य में बहुत ही अधिक आपको लाभ की प्राप्ति होगी। साथ ही साथ दोस्तों यश में महाबली हनुमान जी का भी अशुभ आशीर्वाद आप सभी के जीवन काल में होंगे, जिनसे दोस्तों आप सभी के जीवन काल में बहुत ही अच्छी अच्छी घटनाएं होने वाली है। बहुत ही बड़ी खुशखबरी यश में आपके दरवाजे पर दस्तक देने वाले हैं। तो दोस्तों यश में आप कोई भी गलती ना करें, और दोस्तों आने वाले 3 दिनों तक आपको कुछ बातों का ध्यान रखना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर आप आज के इस वीडियो में बताई गई बातों को ध्यान में रख लेंगे, तो दोस्तों दुनिया की कोई भी ताकत नहीं है जो आपको रोक सकती है। जी हाँ दोस्तों, महाबली हनुमान जी आपके साथ है। तो दोस्तों ऐसे में कौन कौन सी बड़ी घटना होने वाली है, कौन कौन से क्षेत्रों में आपको लाभ मिलने वाले हैं, कौन कौन सी बड़ी खुशखबरी आपको आने वाले 3 दिनों के अंदर मिलने वाले हैं, साथ ही दोस्तों कौन सी बातों का आपको ध्यान रखना अब सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे, तो दोस्तों इन सभी के बारे में बात करेंगे आज के इस वीडियो में पूरे ही विस्तार से। तो दोस्तों वीडियो को बिल्कुल ही मिस ना करें और इन्हें अंत तक ध्यान से देखिएगा। उससे पहले दोस्तों, जो भी महाबली हनुमान जी के सच्चे पीर भक्त हैं, दोस्तों वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर ही कीजिएगा, और दोस्तों कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय हनुमान महावीर बजरंग बली जरूर लिखिएगा। दोस्तों महाबली संकट मोचन हनुमान जी का अशुभ आशीर्वाद आप सभी के जीवन काल पर होगा, जीवन काल की सारी चिंताएं खत्म होंगी, समस्याएं समाप्त होंगी, और महाबली हनुमान जी का अशुभ आशीर्वाद आप सभी के जीवन काल पर होगा। जी हाँ दोस्तों, तो आइए दोस्तों बात करते हैं, शुरुआत करते हैं आज के एक बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान से, जो कि दोस्तों आप सभी के जीवन काल में बहुत ही दिनों से चल रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ये समस्याओं से आप बहुत ही दिनों से जूझ रहे हैं, और दोस्तों इन बातों को अगर आप ध्यान से सुन लेंगे, तो दोस्तों हम गारंटी के साथ कहते हैं कि आपके जीवन काल की बहुत सारी समस्याओं का अंत आपको इन्हीं लफ्ज़ों में प्राप्त होगा। तो दोस्तों यह ज्ञान को आप बिल्कुल ही ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों पुराने समय में एक व्यक्ति के परिवार में बार बार विवाद होते रहते थे, वह इस बात से बहुत दुखी रहता था। तंग आकर उसने एक दिन सोचा कि अब मुझे संन्यास ले लेना चाहिए और घर पर बिना किसी को कुछ बताए सब कुछ छोड़कर जंगल की ओर वह निकल गया। दोस्तों जंगल में उसने आश्रम देखा, वहाँ पर पहुँचा तो उसने एक संत को पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान करते हुए देखा। दुखी व्यक्ति संत के सामने बैठ गया, उसका ध्यान खत्म होने का इंतजार कर रहा था। जी हाँ दोस्तों, जब तक संत का ध्यान पूरा हुआ, उन्होंने आँखें खोली तो व्यक्ति ने संत से कहा कि गुरुदेव मुझे अपनी शरण में ले लीजिए, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ, मैं सब कुछ छोड़कर भगवान की भक्ति करने आया हूँ। संत ने उससे पूछा, तुम अपने घर में किसी से प्रेम करते हो? व्यक्ति ने कहा कि नहीं,
मैं अपने परिवार में किसी से प्रेम नहीं करता। संत ने कहा कि क्या तुम्हें अपने माता पिता, भाई बहन, पत्नी और बच्चों में से किसी से भी लगाव नहीं है? व्यक्ति ने संत को जवाब दिया कि ये पूरी दुनिया स्वार्थी है। मैं अपने घर परिवार में किसी से भी स्नेह नहीं रखता। मुझे किसी से लगाव नहीं है, इसलिए मैं सब कुछ छोड़कर संन्यास लेना चाहता हूँ। संत ने कहा कि भाई, तुम मुझे क्षमा करो, मैं तुम्हें शिष्य नहीं बना सकता। मैं तुम्हारे अशांत मन को शांत नहीं कर सकता। ये सुनकर व्यक्ति हैरान था। संत बोले, अगर तुम्हें अपने परिवार से थोड़ा भी स्नेह होता तो मैं उसे और बढ़ा सकता था। अगर तुम अपने माता पिता से प्रेम करते हो तो मैं उसे और बढ़ा सकता था, तुम्हें भगवान की भक्ति में लगा सकता था। लेकिन तुम्हारा मन बहुत ही कठोर है। एक छोटा सा बीज ही विशाल वृक्ष बनता है, लेकिन तुम्हारे मन में कोई भाव ही नहीं है। मैं किसी पत्थर से पानी की झरना कैसे बहा सकता हूँ? जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों इससे हमें यह सीख मिलती है कि जो लोग अपने परिवार से प्रेम करते हैं, माता पिता के बातों को समझते हैं, उनका सम्मान करते हैं, वे लोग ही भक्ति के पूरे एकाग्रता को पाते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों आज का यह परम ज्ञान अगर आपको अच्छा लगा हो या समझ में आई हो तो दोस्तों वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और दोस्तों इनके लिए कमेंट बॉक्स में लिख दें जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आए दोस्तों विषय के उपरांत बात करते हैं कि आने वाले 3 दिनों के अंदर आप सभी के जीवन काल में आपको कौन कौन सी बड़ी घटनाएं देखने को मिलेंगी। जी हाँ दोस्तों, कौन कौन सी खुशखबरी आपको मिलने वाली है, जो मंगल की स्थिति है, आपके जीवन काल में कौन कौन से बड़े चमत्कार करने वाले हैं, महाबली हनुमान जी के आशीर्वाद से भी आप सभी के जीवन काल में आपको क्या क्या लाभ देखने को मिलेंगे, दोस्तों कौन सी विशेष बातों का ध्यान रखना है, इन सभी के बारे में जानेंगे पूरे विस्तार से। तो दोस्तों वीडियो को बिल्कुल ही मिस ना करें और अंत तक ध्यान से देखिएगा। तो आए दोस्तों बात करते हैं। दोस्तों यह समय मिश्रित फलदायक रहेगा। व्यक्तिगत संबंधों में घनिष्ठ आएंगी, विरोधी भी यश में आपसे प्राप्त होंगे। परंतु दोस्तों इस बात का इसमें आपको ध्यान रखना चाहिए कि अगर दूसरों से मान सम्मान प्राप्त करना है तो दूसरों को भी मान सम्मान करना पड़ेगा। दोस्तों यह बात को आपको इसमें ध्यान में रखने की आवश्यकता होगी। और इसके उपरांत दोस्तों इसमें अगर आपकी सावधानी को लेकर बता दें तो दोस्तों मन मुताबिक आर्थिक निवेश नहीं हो पाएगा, इसलिए इस तरह के मामले में कोई इसमें स्थगित रखें, ये आपके लिए बेहतर होगी। पड़ोसियों के साथ किसी छोटी सी बात को लेकर बात विवाद की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है, बेहतर होगा कि इन बातों से आपको दूरी बना लेना चाहिए। और इसके उपरांत दोस्तों यशोमय आपके लिए समय होगी, आपको बता दें कि यशोमय पूरा दिन आपका जो है उत्साह बना रहेगा, आपके अंदर कुछ कर दिखाने की चाह भी रह सकती है। और दोस्तों यश में आप मेहनत करते रहेंगे और इनमें नहीं डरेंगे, मिल रहे अवसर का पूरा फायदा उठाने की कोशिश करते रहें और ये आपके लिए सफलता का कारक बनेगा। जो लोग आपको पीछे खींचने की कोशिश करते हैं उनके बारे में जागरूकता आने की वजह से आप जो है इसमें सही कदम भी उठा पाएंगे। और इसके उपरांत दोस्तों इसमें आपके लिए समय होंगे, आपको बता दें कि दोस्तों व्यस्तता के बावजूद भी आप अपने मित्रों और रिश्तेदारों के संपर्क में रहेंगे, इससे संबंध जो है बहुत ही मजबूत रहेगा। किसी भी वरिष्ठ व्यक्ति की सलाह को नजरअंदाज इसमें ना करें, दोस्तों ये आपके लिए इसमें बेहतर साबित होंगे। इससे आपको अपने जीवन से जुड़ी समस्याओं से संबंधित उचित मार्गदर्शन भी प्राप्त हो सकता है। तो दोस्तों इस बात का ध्यान रखें, शादी विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई के प्रति और अधिक ध्यान देने की जरूरत होगी। दोस्तों कोई अप्रिय घटना से मन में जो है तनाव और भय की स्थिति भी रह सकती है या फिर आपके ऊपर भय इसमें हावी हो सकता है। कुछ समय मेडिटेशन में व्यतीत करने से आपके अंदर इसमें सकारात्मकता आएगी, तो इनमें भी इसमें आपको ध्यान देने की आवश्यकता होगी। और इसके उपरांत दोस्तों इस समय आपके लिए समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि समय कम है और आपको अधिक से अधिक काम यश में निपटाने की आवश्यकता होगी, इसलिए दोस्तों थोड़ा तनाव आप पर बन सकता है, लेकिन व्यस्तता की वजह से काम आसान भी लगेंगे। आपको बता दें कि दोस्तों प्रगति भी यश में तुरंत नजर आएगी, इसलिए आपका उत्साह भी बढ़ेगा। सरकारी दस्तावेज संबंधी काम भी किसी की मदद द्वारा जल्द ही पूरा हो सकता है, तो दोस्तों यश में इनमें भी आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं होगी। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे, आपको बता दें कि धार्मिक तथा आध्यात्मिक गतिविधियों में ये जो समय है आपके लिए आपका अधिकतम समय भी व्यतीत होगा। किसी सामाजिक संस्था में सहयोग करना आपको यश में
आत्मिक खुशी भी प्रदान करेगा। दोस्तों यश में आपके लिए जो है लाभ के कुछ मार्ग भी प्राप्त होंगे और इनमें आप अच्छी सफलता को प्राप्त कर सकते हैं, बशर्ते दोस्तों प्रत्येक कार्य में आपको सावधानी पूर्वक करना चाहिए, कोई भी गलती इसमें आपको नहीं करना चाहिए। दोस्तों आपको सावधानी को बता दें कि यश में किसी महत्वपूर्ण वस्तु के चोरी होने या फिर खोने की प्रबल संभावना बन रही है, तो दोस्तों यश में इनसे सावधान है, इसलिए अपनी चीजों को अच्छी तरह से संजो कर रखें। क्योंकि दोस्तों अगर आपका इम्पोर्टेंट फाइल या फिर कोई भी चीज हो, अगर यश में खो गया तो आपके भविष्य के लिए आपकी चिंता का यह कारण बन सकता है। दोस्तों कोशिश करके अपने सारे काम स्वयं ही पूरा करने का प्रयास करें, दूसरों पर विश्वास करना यश में आपके लिए नुकसानदेह रहेगा, तो इन पर भी आपको ध्यान देना चाहिए। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे, आपको बता दें कि जीवन में आगे बढ़ने की अच्छी इच्छा इसमें तीव्र बनी रहेगी आपके अंदर, फिर भी दोस्तों योजना पर काम करना आपके लिए यश में संभव नहीं हो पा रहा है। आपको बता दें कि दोस्तों खुद के विचारों से ही आप खुद को रोक लगा रहे हैं। योग्य व्यक्ति की सलाह से खुद के अंदर डर पैदा करने वाली भावनाओं को समझने की आवश्यकता आपको होने वाली है। तो दोस्तों यश में किसी जो है योग्य व्यक्ति की सलाह ले लें, ये आपके कार्यों के लिए बेहतर होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि समय की गति यश में जो है आपके पक्ष में रहेगा। ये जो समय है आपके लिए महत्वपूर्ण योजनाएं बनाने के लिए अनुकूल रहने वाले हैं। दोस्तों आपको बता दें कि कुछ खास लोगों से यश में आपकी मुलाकात भी होगी तथा मानसिक सक्रियता का दायरा भी इसमें बढ़ेगा। इससे दोस्तों आपको जो है व्यक्तित्व के निखार संबंधी कुछ नई बातें सीखने को इसमें मिलने वाली है। और इसके उपरांत दोस्तों यश में किसी से भी बहस की स्थिति में अपना जो है समय को व्यर्थ ना करें, क्योंकि दोस्तों इसका नकारात्मक प्रभाव आपके मान सम्मान पर पड़ेगा। तो इस बात का ध्यान रखें, किसी निकट संबंधों के साथ आपका कोई अप्रिय समाचार मिलने से मन थोड़ा सा उदास रहेगा। कुछ समय जो है आत्ममंथन में लगाने से आपका इसमें आत्मविश्वास बढ़ने वाले है। तो दोस्तों यश में जरूर मेडिटेशन या फिर इन पर ध्यान दें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपके लिए सम होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि काफी समय बाद अपनी मेहनत द्वारा परिस्थिति में बदलाव लाना आपके लिए संभव हो रहा है। अभी तक परिस्थिति पूरी तरह से आपके पक्ष में नहीं आई थी, लेकिन दोस्तों ये जो समय है आप मेहनत के द्वारा करते रहेंगे और जीवन की नई शुरुआत करने का आयुष में आपको मौका मिल रहा है। तो दोस्तों इनका फायदा उठाएं, जिसका पूरा फायदा उठाने की आपको कोशिश करना चाहिए। भावनात्मक तकलीफ आपकी इसमें दूर होने वाली है। और इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी करियर को लेकर बात करें, तो दोस्तों ये जो समय होंगे आपके करियर के लिए, आपको बता दें कि सोशल मीडिया तथा बाहरी लोगों के साथ दूरी बनाकर रखें, क्योंकि यश में आपकी मानहानि होने की जैसी गर्भ स्थिति बन रही है। राजनीति तथा महत्वपूर्ण लोगों से संपर्क आपके लिए बहुत ही फायदेमंद यश में साबित होने वाली है। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके करियर के लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि दोस्तों बिजनेस में नए ऑर्डर प्राप्त होंगे, इसलिए समय जो है इस समय का फायदा उठाएं और भरपूर मेहनत करते रहें। ध्यान रखें कि आपका कोई गोपनीय बात उजागर भी हो सकती है जिसे आप गुप्त रखना चाह रहे थे, तो दोस्तों खासकर इन पर ध्यान दें और अपनी कोई भी गुप्त बातों को किसी के सामने कहने से इसमें बचें। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि यश में पति पत्नी का आपसी सामंजस्य उचित बना रहेगा, मित्रों के आपसी मेल मुलाकात से सबको खुशी मिलने वाली है। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे, आपके पारिवारिक जीवन के लिए जो समय होंगे, दोस्तों यश में प्रेम संबंधों में डेटिंग के खुशनुमा अवसर भी बनेंगे, पति पत्नी के संबंधों में भी यश में नजदीकियां आने वाली है। और इसके साथ ही दोस्तों आपके स्वास्थ्य के लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि हल्की फुल्की मौसमी बीमारियां भी परेशान करेगी, जरा सी सावधानी आपको स्वस्थ रखने वाली है। तो दोस्तों यश में लापरवाही बिल्कुल ना बरतें, अपने स्वास्थ्य को लेकर सावधान रहें, ये आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर होंगे। और इसके बाद दोस्तों यूं तो आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा अगर आप सावधानी को रखेंगे, लेकिन दोस्तों वर्तमान की जो वातावरण है इसमें दोस्तों आपकी पुरानी जो बीमारी है वो उभर सकती है, इसलिए सचेत रहना आपके लिए आवश्यकता होगी।